वेल गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों बात कर रही हूँ मैं सीरियल काव्या की। काव्या में मजेदार ट्विस्ट के साथ ये दिखाते हैं कि जहाँ एक तरफ काव्या के पापा जेल में चले जाते हैं अधिराज के पापा की वजह से, वही इधर दिखाते हैं कि काव्या को अभी भी शक होता है अधिराज और उसके पापा के ऊपर, और लेकिन इधर अधिराज का कोई प्लानिंग नहीं रहता है। वह इधर आती है काव्या उनके घर और बोलती है नेताजी आपका ही ये चाल है सब कुछ। वह इधर दिखाते है कि अधिराज बोलता है कि काव्या तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम क्यों साबित करना चाहती हो कि मैं गलत हूँ। मैं गलत नहीं हूँ, ये नेताजी कितने खतरनाक इंसान है तुमको पता नहीं है। वह इधर काव्या गलत समझते हुए ये बोलती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है अधिराज और मैं तुम्हारी दोस्ती को दुत्काती हूँ। वही क्या काव्या बाहर निकल पाएगी अपने पापा को दिवाली से पहले। और इधर गलत फहमी हो जाती है अधिराज और काव्या के बीच में, जहाँ काव्या गले लग रही होती है शुभ से और ये देख लेता है अधिराज। तो क्या अधिराज लेगा बदला काव्या से या होगा कुछ नया? वह इनका दोस्ती का जो ट्रैक है वो क्या वापस आएंगे इन लोग साथ में काव्या के फादर को निकालने के लिए, या होगा इस बार कुछ नया? क्योंकि शुभ का भी सच आया नहीं है सामने और नेताजी भी चाल चलते जा रहे हैं। वही दोस्तों देखने में इंटरेस्टिंग होने वाला है क्या दिवाली से पहले अधिराज और काव्या मिलके काव्या के फादर को निकालेंगे और नाम बढ़ाएंगे, और इधर दिवाली का सीक्वेंस बहुत होने वाला है मजेदार। तो दोस्तों जब तक लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। जब तक लिए थैंक यू।